हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे इंटरनेट एंड फन के। आज मैं आपको जो है हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि कुल पैड नोट के फीचर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो है हम शॉर्टकट की से शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी फ़ोन के जो है शॉर्टकट्स की अपर लेवल पे जो है अवेलेबल रहते हैं, बट यहाँ पे जो है आप डाउन लेवल पे जो है सारी कीज़ यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट जो है यहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं, और हॉटस्पॉट भी डायरेक्टली है, स्टैंड बाय कंट्रोल सेंटर, स्क्रीन रिकॉर्डर की जो है ऑप्शन भी है यहाँ पे। और जो मैं आप देख रहे हैं ये रिकॉर्डिंग, वो मैं इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही जो है कर रहा हूँ। और यहाँ पे फ्लैशलाइट, कैलकुलेटर भी है, रिकॉर्डर भी है, आप यहाँ से जो एडिट भी कर सकते हैं जो भी आपको शॉर्टकट्स में चाहिए होगा। तो चलिए सेटिंग्स में चलते हैं। तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको जो है कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि कूल पैड नोट 5 के फीचर से। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेटअप कर सकते हैं, आपको जैसे फिंगरप्रिंट चाहिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे फर्स्ट फिंगरप्रिंट से हमारा लॉक खुलना चाहिए, सेकंड फिंगरप्रिंट से डायरेक्टली मेरा व्हाट्सअप खुलना चाहिए, थर्ड फिंगरप्रिंट से डायरेक्टली मेरा म्यूजिक ऐप खुलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं जो जो कि काफ़ी कूल है। स्मार्ट यहाँ से स्मार्ट लॉक का भी सिस्टम दिया गया है। साथ ही साथ एडवांस सेटिंग्स यहाँ पे जो है बैटरी स्टोरेज है, परमिशन मैनेजर, ये वो है जो कि आप किस ऐप को जो है अलाउ करना है, परमिशन देना है रन करने के लिए, वो इस चीज़ के लिए उपयोग होता है। ऑटो रन मैनेजर है यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन करने के लिए ऐप को। डू नॉट डिस्टर्ब का भी यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है। लैंग्वेज एंड इनपुट जो भी आपको सिलेक्ट करना है। डुअल ऐप्स की भी यहाँ पे जो है सुविधा दी गई है, देख सकते हैं फैसिलिटी दी गई यहाँ पे। कंट्रोल सेंटर ये काफ़ी कूल है, जैसे कि मैंने आपको कहा था जो कि डाउनलोड पे आपने देखा होगा, जो शॉर्टकट से यहाँ से आप जो है मैनेज कर सकते हैं। होम स्क्रीन, होम स्क्रीन में जैसा कि आप थीम डालेंगे वैसा होगा। स्मार्ट कंट्रोल में आपको मैं बताना भूल गया, सॉरी गाइस। सी बटन यहाँ पे जो है, सी बटन क्या काम करते हैं, जैसे आप सी बटन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो है शॉर्टकट्स ओपन हो जाते हैं जो कि काफ़ी कूल फीचर्स है आईफोन की तरह। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। वेकअप गेस्चर्स, वेकअप गेस्चर्स जो है यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो सारे जो है ऑन हो जाएंगे। डबल वेप टू, तो जैसा कि आप देखते हैं व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ डबल टैप टू इट टर्न इट ऑन, जब स्क्रीन ऑफ होगा आप डबल टैप करेंगे अपने फिंगर से तो ये जो है ऑन हो जाएगा। स्लाइड अप टू अनलॉक, जैसे आप स्लाइड अप करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। तो ऐसे देख सकते हैं स्लाइड डाउन टू टेक फोटो, जैसे स्लाइड डाउन करेंगे तो फोटो टेक करेगा। ड्रॉ सी फॉर कीपैड, अब ये क्या है बता देता हूँ, जैसे कि आपका मोबाइल अभी बंद है तो जैसे ही आप सी पैटर्न को ड्रॉ करेंगे अपने मोबाइल पे तो जो है ये ऑटोमेटिकली जो है कीपैड ओपन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉ ई फॉर ब्राउजर, ये ब्राउजिंग के लिए, जैसे कि आप ई टाइप करेंगे तो जो है ब्राउजिंग सीधा आपका ओपन हो जाएगा। एम फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए। तो ये सारे कूल फीचर्स हैं। एक्शन एंड स्क्रीन, तो ये जो है ग्लोब मोड, इसके बारे में बता देता हूँ ग्लोब मोड होता क्या है। ग्लोब मोड एक ऐसा फीचर्स है, जैसे कि अगर आप अपने हाथों में अगर ग्लव्स पहने हुए हैं तो अगर आप इसको ऑन करके अपने मोबाइल को ऑपरेट करते हो तो ये भी स्मूथ चलेगा। ओके, तो इसे यहाँ पे लिखा है विद हाई सेंसिटिविटी द स्क्रीन रिएक्ट एज यूजल वैन योर फिंगर्स टच इट वाइल वियरिंग ग्लव्स, यहाँ पे मैंशन भी किया हुआ है एक इसलिए ये फीचर्स दिया हुआ है। मल्टी स्क्रीन, डिवाइड द स्क्रीन फॉर टू इंडिपेंडेंट एप्स, इसको जैसे ही आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो है मल्टी स्क्रीन ऑन हो जाता है, जैसे कि अभी मुझे दो एप्लीकेशन यूज करना है एट अ टाइम, लाइक यूसी ब्राउजर, मैंने यहाँ पे यूसी ब्राउजर ऑन किया है और मुझे ऑन करना है यहाँ पे एडिट करके जो है मैं म्यूजिक म्यूजिक ऑन करता हूँ। जैसे मैं जो है ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे म्यूजिक ओपन कर दिया। तो आप देख सकते हैं तो
से म्यूजिक किया होगा और यहाँ से जो है आप ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स है ड्यूअल ऐप के, सॉरी मल्टीटास्किंग इसको कहा जाता है। इसको मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ मल्टीटास्किंग को। यहाँ पे दिया थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, इसका मतलब है कि आप जो है अपनी उंगली जो है तीन उंगली से अगर आप डाउन करते हैं, स्लाइड डाउन करते हैं अपनी तीन उंगली से, तो जो है ये स्क्रीनशॉट इमीडिएटली ले लेता है अपने फ़ोन का, आपके फ़ोन का। ओके, तो ये काफ़ी अमेजिंग फीचर्स है कूल पैड का। तो गाइस ये थे कुछ फीचर्स कूल पैड नोट 5 के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल्स। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।